जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने KVS के नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल करके दिखाया हुआ है। इस वीडियो हम KVS के टीचिंग पोस्ट के लिए प्राइमरी टीचर और TGT, प्राइमरी और TGT दोनों पोस्ट के अप्लाई करके हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अप्लाई करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप हम ले चलेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। आपको KVS यहाँ पे kvsangathan.nic.in डाल देना है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे आएंगे, राइट साइड में आपको इस तरह से लिंक चलते हुए मिलेंगे। आपको यहीं पे उस लिंक पे क्लिक करना है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो मुझे यहाँ पे TGT के लिए करना है, तो ये क्लिक हियर अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद यहाँ पर आपका TGT के लिए भी लिंक आपको मिल जाएगा, आपको उसी पर क्लिक करना है जिसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर TGT एंड प्राइमरी टीचर का लिंक है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके थ्रू आप TGT प्लस प्राइमरी टीचर दोनों का अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर, अगर आपको दोनों का फॉर्म भरना है तो आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे TGT एंड प्राइमरी टीचर, यहाँ पे 1500 रुपये फीस दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपको इसका फॉर्म का भरने के लिए आपको पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड 8 से 13 करेक्टर का होता है। चलिए जब ऑप्शन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना नाम नाम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही डालना है। फिर तो यहाँ पे फादर्स नेम, आगे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी पे यहाँ पे आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर कुछ भी नहीं है इसमें से तो आप इन्हें इधर करके अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। फिर अगर आपके पास हाउस नंबर, फ्लैट नंबर कुछ है तो यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे सीधे विलेज कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। और यहाँ पे अगर कोई तहसील वहसील करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो भी एड्रेस हो यहाँ पे आपके अपने हिसाब से डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना राज्य चूज करना है, जिला चूज करेंगे, पिन कोड चूज करेंगे, ईमेल आईडी आपको दोनों में सेम डालने हैं, और उसके बाद मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज प्रजेंट कर देंगे, अदरवाइज आपको इसमें भी अलग दूसरा एड्रेस डालना हो तो डाल सकते हैं। अब आते हैं बात पासवर्ड पे। पासवर्ड आपका 8 से 13 करेक्टर का होना चाहिए, कम से कम एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस और एक न्यूमेरिक वैल्यू, और यहाँ पे कम से कम एक आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर में एट द रेट हैज डॉलर, परसेंटेज, उसके बाद है आपका ये स्क्वायर का साइन है एंड स्टार, इतने आप यूज़ कर सकते हैं। तो पासवर्ड किस तरह से बनाना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे मेरा नाम अंकित है, तो मैं पहला अक्षर यहाँ पे कैपिटल लूँगा, उसके बाद सारे स्मॉल। कैपिटल इसमें आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं और स्मॉल भी एक से ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिनिमम कंडीशन है। उसके बाद आपको एट द रेट यूज करना हैज 2-3 हो गया, स्टार यूज कर सकते हैं, इसमें से कोई एक यूज कर लीजिए, दो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। उसके बाद आपको 1, 2, 3, 4, 5 जो भी गिनती आपको यूज करना है, इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। या फिर अगर आप पहले नाम लिख दें, इसका आर्डर का कोई इशू नहीं है, आप 1, 2, 3 @ इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। अगर आप पहले गिनती लगाना चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं, बाद में लगाना चाहें तो बाद में भी लगा सकते हैं। तो आप इस तीन तरह के मैंने पासवर्ड यहाँ बनाने का आपको दिखा दिया है, इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी आपको चूज करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ऐसा, या फिर जैसे कोई वेबसाइट आप डेली विजिट करते हैं, यानी डेली विजिट करते हैं, तो वो डाल सकते हैं। अगर फर्स्ट स्कूल यहाँ पे आप डालना चाहें तो फर्स्ट स्कूल का नाम डाल सकते हैं, अपने किसी पड़ोसी का नाम डाल सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर आप फर्स्ट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, गाड़ी का नंबर, या फिर कोई फेवरेट बुक हो तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेनी है अच्छे से। अगर इसमें कुछ भी लगता है कि मैं संशोधन करना है तो आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। और उससे पहले आपको यहाँ पे सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जब तक आप यहाँ पे नहीं करेंगे, ये चेक बॉक्स पे क्लिक करने का मतलब यही है कि यहाँ पे मेरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ मेरा सही है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आएगा यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों मेरे में ओटीपी आ गया। अब यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मेरा नाम और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जारी कर दिया गया है। 10,279 लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पूरा फॉर्म 3 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट। अगर आप फीस पेमेंट तुरंत नहीं करना चाहते हैं तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आप पेमेंट तुरंत मत करिए, जिससे कि आपको अगर बाद में संशोधन करना हो तो आप पेमेंट से पहले संशोधन कर लें। तो फॉर्म भर लीजिए लेकिन पेमेंट अभी मत करिएगा। तो एप्लीकेशन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कम्प्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म आपका अभी इनकम्प्लीट है। अब इसको कम्प्लीट करने के लिए या तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पर जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर चल के आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको दिखाएगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप में, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप है पूरा। इसमें से हमने एक कंप्लीट कर लिया है। अब आपको पर्सनल डिटेल अभी इनकम्प्लीट है, उसके बाद अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल आपका, उसके बाद क्वालिफिकेशन, और फिर यहाँ पे आपका KVS एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेट डिटेल आपको भरना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अब पर्सनल डिटेल एडिट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों फाइनल सबमिट्स करने से पहले अभी आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हो सकता है मोबाइल ईमेल आईडी के अलावा। तो अभी आप फाइनल पेमेंट और सबमिट मत करिएगा, आप पूरी डिटेल फिल कर लीजिए, उसके बाद आप रोके रहिएगा पेमेंट पे, एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा तभी फाइनल सबमिट करिएगा। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज कर लेना है, उसके बाद रियो डोमिसाइड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बिटवीन 1980 से 1989 के बीच, तो मैं यहाँ पर नहीं है। कैटेगरी आपको यहाँ से चूज कर लेना है आपकी जो भी कैटेगरी है, उसके बाद डिसेबल्ड यानी विकलांग है या नहीं, एक सर्विस मैन है तो यस करेंगे नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई आपको एक पहचान चिन्ह डालना है, जो आपके शरीर पर कोई निशान या फिर कट का निशान, घाव का निशान, जो भी हो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे शादी अगर हुई है तो यस करेंगे, मैरिड, अदरवाइज सिंगल करेंगे, अगर तलाक हो गया है तो यहाँ पे आप करेंगे डिवोर्स्ड, डिवोर्स वाले में आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सिंगल करना है, उसके बाद यहाँ पे C9 आपका कैप्चा कोड फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पे आता है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे देखिए आपको किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, सभी TGT के यहाँ पे, और उसके बाद आपके यहाँ पे प्राइमरी टीचर का भी ऑप्शन आ रहा है और PRT का भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइमरी टीचर, और प्राइमरी टीचर म्यूजिक का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे केस में TGT SST है तो मैं यहाँ पे SST सेलेक्ट कर लिया हूँ, आपके में जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट एग्ज़ाम आपको चूज कर लेना है, एग्ज़ाम तो मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश ही रहेगा। उसके बाद आपको जो सेंटर यहाँ पे डालना हो आप सेंटर डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 सेंटर चूज करने हैं। दोस्तों यदि आपको एक से अधिक फॉर्म भरना है तो आप क्या करेंगे, सेंटर का प्रेफरेंस यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपको सेम रखना है। अगर आप इलाहाबाद पहला डाल रहे हैं तो आपको इलाहाबाद ही पहला रखना है, जिससे कि अलग अलग डेट में भी एग्जाम हो तो आप सेम सिटी में रहें, जिससे कि आप पहुंच सकें आसानी से। इस वजह से प्रेफरेंस आपको ध्यान में रख के फॉर्म भरना है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, तो यहाँ पे मीडियम लिखना चाहिए तो मैं यस कर दिया, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेरे सभी में यस कर दिया है। अब यहाँ पर आपको आना है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब बात आती है यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल की, तो यहाँ पे आपको पास स्टेटस में यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग या अपेयरिंग ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे तो अपेयरिंग नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे किस चीज़ का पूछ रहा है, मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल यानी ग्रेजुएशन का ही मेरे ख्याल से यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे BEd का अलग से दिया गया है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको डालना है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का आप डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स का नाम डालना है, बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यानी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए तभी आप SST के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच वन बी आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी, यहाँ पे मेरे में है, मैं यस कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम यहाँ पे तो टाइप करने के लिए दे नहीं रहा ऑप्शन, मतलब सेलेक्ट करने के लिए आ नहीं रहा, तो एनी अदर ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना है यूनिवर्सिटी का नाम आपका जो भी हो। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज या फिर आपका CGPA, तो CGPA आप डालेंगे।
टोटल मार्क्स क्या है, आपको टोटल मार्क्स यहाँ पे डालने हैं, उसके बाद आपको ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे डालने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में जो जो हो यहाँ डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे बीएड का पास, बीएड पासिंग ईयर हमारा 2022 है, तो यहाँ हम 2022 करेंगे, आप में जो भी हो वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोर्स बीएड इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी, आपको फिर से वही यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा है, तो सीएचएमयू कानपुर यूनिवर्सिटी हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट मोड परसेंटेज, अब इसमें आपके टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे डालने हैं। तो मेरा यहाँ पे टोटल मार्क्स 1200 है, 1200 में आपको जो भी आपको मिला है वो यहाँ पे आप डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, बीएड में सब्जेक्ट आपका कौन सा है, तो बीएड में जो सब्जेक्ट सभी के कॉमन होते हैं उसको आपको नहीं डालना है, अगर आप डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, डालेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो आप उसमें डाल दीजिएगा। हमने यहाँ पे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश एंड पेडागॉजी ऑफ सोशल, यहाँ पे आपको साइंस लिख देना है, मैंने यही लिखा है, आप अपने केस में जो चाहें आप लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी के चार सब्जेक्ट वो सभी के कॉमन रहते हैं, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट हमारे स्पेशल हैं, इस वजह से मैंने इसको लिख दिया है, बाकी हमने दो चार लोगों के वीडियो देखे हैं, सही से कोई बताया नहीं है, आप अपने हिसाब से एक बार अगर कोई किसी से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ के लिख सकते हैं, फिलहाल मेरे हिसाब से सही है, मैंने इसे लिख दिया। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको केवीएस का डिटेल डालना है, आर यू एम्प्लॉय ऑफ केवीएस, तो मैं नहीं हूँ यहाँ पे। सीटेट पेपर एग्जाम, आर यू सीटेट क्वालिफाइड, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद पूछेगा सीटेट क्वालिफाइंग ईयर, तो यहाँ पे हमें दिसंबर 2021 सेलेक्ट करना है। उसके बाद सीटेट रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे पेपर टू आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सीटेट रोल नंबर डाल के और उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। दोस्तों इस पे हमने फोटो साइन पे वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके केवीएस 2022 के नाम से प्ले लिस्ट बनी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फोटो अपलोड करेंगे, आपको जिस तरह से यहाँ फोटो दिख रहा है इस अपलोड ओरिजिनल पे आपको क्लिक कर देना है। फोटो अपलोड ओरिजिनल पे तभी करेंगे जब आप हमारे बताए हुए उस तरीके से बनाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है, आपके केस में अपलोड आएगा, चूंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो इस वजह से आपको यहाँ पे अपडेट क्लिक करना है, लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे आपको ये फोटो दिख जाएगा। इसी तरह आपको सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर चेक कर लेना है, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप सीधे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पूरा फॉर्म भरने से पहले आपको अच्छे से चेक कर लेना है, कुछ भी गलत ना होना चाहिए, उसके बाद ही आप सबमिट करिएगा। कोशिश करिए आप पेमेंट तुरंत मत करिए, एक दो दिन का वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर का अपना मिलान कर लेना है कि हमें फोटो में फोटो आया है, सिग्नेचर में सिग्नेचर आया है, कभी कभी गलती से फोटो जगह सिग्नेचर हो जाता है, सिग्नेचर जगह फोटो हो जाता है, या फिर दोनों में सिग्नेचर हो जाता है, तो उस केस में भी आपको गड़बड़ हो सकती है। अब आपको यहाँ पे माई नेम, माई फादर नेम, माई मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, अप्लाई फॉर, सभी पे चेक कर लेना है, चेक बॉक्स पे क्लिक कि हमने सब कुछ सही से भरा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, काइंडली चेक ऑल चेक बॉक्स, तो यहाँ पे से छूटा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। अब आप आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों यदि आपको फॉर्म भर के छोड़ना है, पेमेंट नहीं करना है, तो आपको इस स्टेप को भी कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि आप लास्ट डेट पे भी पेमेंट कर पाएं। अदरवाइज अगर जब तक आप ये वाला स्टेप नहीं कंप्लीट करेंगे, तो पेमेंट के लिए फिर आपको एक दिन का समय जो अतिरिक्त मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके इसको यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों अब यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आप संशोधन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे जाके यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। अब इस तरह से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये फॉर्म सीटेट का है, क्योंकि अभी पेमेंट मेरा हो नहीं रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको दिखाने का प्रोसेस किया है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं आपको करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ईमेल कंफर्मेशन पेज और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, ऊपर दोनों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक पीडीएफ चला जाएगा, और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में, जिससे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गई है, आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना है।
और यहाँ ईमेल कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल इसका चला जाएगा। आपके ईमेल में जो पासवर्ड जाएगा उसको पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड डालना है। जैसे कि आपको 15 जनवरी 2019 है तो आपको 15/01/1990 इस तरह से आपको पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम पे लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।